के मंदिर में गए तो इतने सारे लोग मिले हैं, इतने सारे माला मिले और इतने बच्चे साइड में हैं, सबको टॉफी बांटी है और इतने खाना भी मैंने दिया बेहद प्यारे अंदाज में और अपनी तुतलाती जुबान में भाषण देते ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पोते सहस्त्र जय सिंह हैं। गुना की राघौरगढ़ सीट से विधायक जयवर्धन सिंह के बेटे सहस्त्र जय सिंह की स्पीच का ये वीडियो खुद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। पोते की तारीफ में दादा दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरा पोता सहस्त्र जय लगता है पिता एवं दादा से भी आगे निकल गया है। इस उम्र में हमने कभी भाषण देने का सोचा भी नहीं था। हे प्रभु नजर न लगे। मैं केवलदास समाज पे आया था पहला भाषण देने, अब मैं ये मंदिर पे आया है भाषण देने, मेरा दूसरा वाला ये मेरा पहला भाषण हो सकता है दाता के बिना, मेरे दाता के बिना। मैं आज दो प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ और आज ये पहले मेरा है और अब शाम को 5 बजे दुनिया मैं आया हूँ चिंतन जी महाराज मंदिर के, तो इतने सारे लोग मिले हैं, इतने सारे माला मिले और इतने बच्चे साइड में हैं, सबको टॉफी बांटी है और इतने खाना भी मैंने दिया थोड़े मेरे से बड़े हैं, थोड़े से छोटे हैं दिग्विजय सिंह की तीसरी पीढ़ी यानी राघौरगढ़ सीट से विधायक जयवर्धन सिंह के पुत्र सहस्त्र जय सिंह की उम्र अभी महज 6 वर्ष है और वो अभी से राजनीति का कखहरा सीखते नजर आ रहे हैं। छोटी सी उम्र में माइक पकड़कर भाषण देना और वहाँ मौजूद लोगों का दिल जीतने का ये वीडियो एमपी की सियासी गलियारों में खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब सहस्त्र जय के पापा और राघौरगढ़ से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह अपने क्षेत्र में नहीं थे। दरअसल जयवर्धन सिंह प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर गए हैं। ऐसे में चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ समाज के कार्यक्रम का बुलावा आया तो 6 साल के सहस्त्र जय अकेले ही पहुँच गए। इतनी कम उम्र में बेहद सलीके और समझदारी से भाषण देते सहस्त्र जय सिंह का ये वीडियो देख लोग कहने लगे हैं कि दिग्विजय सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति की डगर में जरूर कमाल करेगी। जय जी महाराज। जय। धन्यवाद।